दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। दिवाली से पहले धनतेरस आता है, जिस दिन आप और हम कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। सोने की खरीदारी करना इस दिन शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस ज्वेलरी यानी सोने को आप दुकानों से खरीदते हैं, वो सोना यानी गोल्ड आता कहाँ से है? चलिए, इस सवाल का जवाब आज हम आपको दे देते हैं, तो वीडियो में बने रहें। देश में इस वक्त लोग फेस्टिव मूड में हैं, लोग दिवाली और धनतेरस की तैयारी में जुटे हुए हैं। सोना खरीदें या चांदी, इसकी भी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। लेकिन हमारा देश सोने के मामले में धनी नहीं है, यानी भारत में सोना नहीं पाया जाता। देश की जरूरत को पूरा करने के लिए हम सोना बाहर से इम्पोर्ट यानी आयात करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत अपनी जरूरत का आधा सोना एक छोटे से देश से खरीदता है यानी आयात करता है? नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये देश और कोई नहीं बल्कि यूरोप का छोटा सा देश स्विट्जरलैंड है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्विट्जरलैंड से भारत अपनी जरूरत का आधा सोना खरीदता है। ये वही स्विट्जरलैंड है जहां देश और दुनिया के लोग अपना काला धन यानी ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करते हैं। चलिए थोड़ा स्विट्जरलैंड के बारे में भी जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड देश और दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड सेंटर है। ऐसा माना जाता है कि स्विस गोल्ड की क्वालिटी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर होती है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड के सोने की डिमांड खरीदारों के बीच सबसे ज्यादा रहती है। आंकड़ों से अगर इसे समझें तो स्विट्जरलैंड के अलावा भारत संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, दक्षिण अफ्रीका, गिनी और पेरू जैसे देशों से सोने का आयात करता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत स्विट्जरलैंड से 45.8%, UAE से 12.7%, दक्षिण अफ्रीका से 7.3%, गिनी से 7.3% और पेरू से 4.9% सोने का आयात किया था। अब भारत कितना टन सोना इन देशों से आयात करता है ये भी जान लीजिए। तो आपको बता दें, भारत ने सबसे ज़्यादा यानी 469 टन सोना स्विट्जरलैंड से 2021 में मंगवाया था। दूसरा नंबर आता है UAE का। भारत ने 120 टन के करीब सोना UAE से मंगवाया था। वहीं 71 टन सोना भारत ने दक्षिण अफ्रीका से मंगवाया था और 58 टन सोना गिनी से भारत ने खरीदा था। अब सोने को लेकर भारत में इतना क्रेज क्यों है ये भी आप जान लीजिए। भारत में सोने का बड़ा महत्व है, लोग इसे ज्वेलरी के रूप में पसंद करते हैं, तो दूसरी ओर इसे निवेश का भी सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। जब कभी भी दुनिया भर के शेयर बाजारों में भूचाल आता है या फिर कोई अन्य आर्थिक संकट आता है तो सोने की डिमांड बढ़ जाती है। इस मामले में भी भारतीय सबसे आगे हैं। कोरोना के समय में जब महामारी अपने चरम पर थी, उस समय भी भारतीय लोगों ने 430 टन का सोना खरीदा था। यह आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब देश और दुनिया के हालात सामान्य से बेहतर स्थिति में है। लोग 2 साल के बाद फेस्टिव सीजन का जमकर लुफ्त उठा रहे हैं। ऐसे में लोग खरीदारी करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तो लगता है कि इस बार सोने में भी जमकर खरीदारी होने की संभावना है। बता दें, भारत भले ही चीन के बाद सोना आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो, लेकिन भारत में बना सोना यानी फिनिश्ड ज्वेलरी की डिमांड दुनिया भर में होती है। यानी दुनिया भारत में बने सोने की ज्वेलरी को काफ़ी पसंद करते हैं और इस फिनिश्ड ज्वेलरी को भारत से अपने देश में इम्पोर्ट करवाते हैं। तो आप भी दिवाली की प्लानिंग कर लीजिए और त्योहारों के रंग में सराबोर हो जाएं।